यहाँ पर जो गाय सीज कर रहे थे यूनिवर्सिटी सर्कल, उन्होंने वो गाय कहाँ लेकर गए अभी तक उसका पता नहीं है। पहले तो तुम्हारे पास गौ रक्षा के नाम पर तुम जो ये स्मगलिंग कर रहे हैं, एक तरीके की स्मगलिंग है। तुमको गौ रक्षा करना है तो रैत के पास से खरीदो, रैत के पास से अगर तुम खरीदेंगे तो बेचेगा नहीं, तुम पालो। उसके बाद ये लोग सिर्फ और सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर गाय लेकर जाकर यही स्लॉटर हाउस में बेचकर यही अपनी इनकम कर रहे हैं। जितने भी गौशाला है वहाँ पर एक भी गाय अवेलेबल नहीं है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। यू कैन लर्न टू सक्सीड बेसिक कंप्यूटर, AutoCAD, MS Office and other courses by well-trained qualified expert trainers. Address Darshan Tower opposite Khandi Petrol Pump, Sedum Road, Gulbarga. Assalamu alaikum, Jai Bhim, Jai Tipu Sultan. Last year gau raksha ke naam par gau jihadiyon ne jis tarike se Bakri Eid ke time par sirf aur sirf musalmanon aur daliton par zulm kar unke haath se gau bail सब छीन कर जो लेकर गए थे, केस बुक कर उनको अपने गौशाला में रखे थे, जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट ने और गौ रक्षकों ने गांव के नाम पर, गांव माता के नाम पर ये जो जिहादी गांव जिहादी लोग जो काम करे हैं, जिसके रईत के पास से गाय लेकर गए, और इन लोगों ने हमारे पास जब आए तो हमारे साहब ने कर्नाटक का स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत जी एलसंगी साहब ने इस पर आवाज़ उठाई, और जो 26 गाय जो एक रईत के पास से उनके खेत में से जो लेकर गए थे, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट की तरह से डिपार्टमेंट वाले आकर लेकर गए। लेकर जाने के बाद ये जो पालने वाले गाय थे उन सबको लेकर जाकर कहाँ रखे उसका पता नहीं है। अभी एक साल फाइट करने के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर आता है रिलीज करने के लिए, तब हम लोग गौशाला जाते हैं, जिसका बैल है गाय है वो जाते हैं, तब उनको पता चलता है उनका गाय उधर है ही नहीं, और वहाँ से मालूम होता है कि हमारे पास कोई आया ही नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं डिपार्टमेंट से, और जो गांव के नाम पर गांव जिहादी जो गाय सीज कर लेकर जाते हैं वो कहाँ रखे हैं, और जितने भी गौशाला हैं वहाँ पर एक भी गाय अवेलेबल नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गांव माता के नाम पर, गांव जिहादी के नाम पर ये लोग गाय सीज करते हैं, और यही लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर हैदराबाद में काटने के लिए यही इन्हीं की माता को यही लोग बेचते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के नाम पर, दलित के नाम पर इनकी गुंडागर्दी हम लोग सहन नहीं करेंगे, इनके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, और इनको कानून के दायरे में रहते हुए इनको जेल सलाखों के पीछे भेजेंगे, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे गौ रक्षा के नाम पर आतंकवाद फैलाना हो। हम इन सबको छोड़ेंगे नहीं, इनको इनके अंजाम तक लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जो गाय सीज कर रहे थे यूनिवर्सिटी सर्कल, उन्होंने वो गाय कहाँ लेकर गए अभी तक उसका पता नहीं है। गौशाला में पूछते हैं तो उनको ये वो बोलते हैं कि हमारे पास आई नहीं। तो हमें इनके ऊपर इंक्वायरी कर इसको अंजाम तक लाना है। जैसे कि ये 26 गाय है इसके ऊपर आवाज़ उठाए हैं हम, ऐसे हज़ारों की तादाद में दो गाय तीन गाय जो पकड़ कर लेकर जाते हैं ये लोग माता के नाम पर जो लेकर जाते हैं, पहले इनको पता होना चाहिए गौशाला में चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जाकर देखेंगे तो एक गाय के कितने हड्डी होते हैं वो गिन सकते हैं हम। उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जो रईत जो पालते हैं, जो उनको उनकी व्यवस्था करते हैं, उनसे कुछ कमाते हैं, जैसे कि दूध, एक गाय 12 लीटर दूध देती है। जो ये लोग लेकर गए गाय एक साल से अगर उनके पास रखी है तो वो रईत के पास रहती तो उसके बच्चे होते थे, उनको एक इम्प्लीमेंट होता था, उनको कुछ इनकम होती थी। तो ये लोग उनका लेकर जाकर, जैसे कि एक गाय एक दिन में 12 लीटर दूध देती है तो इनके 26 गाय लेकर गए तो इनका पर डे का कम से कम 60-70 लीटर दूध आता था। तो एक लीटर दूध अगर 60 रुपये को लीटर बिकता है तो 60-70 लीटर का पर डे कितना होता, आप लोग ही कैलकुलेट कीजिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गांव रक्षा के नाम पर गाय लेकर जाकर यही स्लॉटर हाउस में बेचकर यही अपनी इनकम कर रहे हैं। तो ये जो जातिवाद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और दलित के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, दलित सेना संगठन इसके ऊपर आवाज़ उठाएगा और इनको आगे बढ़ने नहीं देगा, इनको सलाखों के पीछे भेजकर रहेगा। और 26 को हमारा एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन रखा है हम लोग। हम कमिश्नर ऑफिस को घेराव कर प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर धरना देंगे। हमें इन सबको इंसाफ दिलाना है, और जो गैर कानूनी काओ सलाटर एक्ट का जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक रईत के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक अगर कोई गाय या बैल बेचने के लिए आता है तो उनके घर में शादी होती है,
या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है तब वो रैत गाय लेकर बेचने के लिए आता है, बैल लेकर बेचने के लिए आता है, तब वो बेचेगा तो ही कोई खरीदेगा। अगर जो खरीद के 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाता है तब ये गौ रक्षा के नाम पर उनके पास से छीन कर ले जाते। अगर तुमको गौ रक्षा इतनी ही करना है तो तुम वो रैत के पास से गाय खरीदो, तुमको गौ रक्षा करना है तो रैत के पास से खरीदो, रैत के पास से अगर तुम खरीदेंगे तो बेचेगा नहीं, तुम पालो उसके बाद। पहले तो तुम्हारे पास गौ रक्षा के नाम पर तुम जो ये स्मगलिंग कर रहे हैं एक तरीके की स्मगलिंग है, तो हम इसके ऊपर आवाज उठाएंगे 26 तारीख को। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ आप लोग हमारा साथ दीजिए, आपके हक के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। दलित सेना संगठन सिर्फ और सिर्फ जिसके ऊपर जुल्म होता है उनके लिए आवाज उठा के शाना बाशाना खड़े रहता है, तो आप सबका भी फर्ज बनता है हमारा सपोर्ट करें। पुलिस कमिश्नर कचहरी के पास धरना प्रदर्शन है, आप लोग 26 तारीख को आइए। मैं आप सबको फिर एक बार अपील करता हूँ, आप सब आकर हमारा साथ दीजिए। जय भीम, जय टीपू सुल्तान।